मुशीर, कोया जरूरी मवाके पर युजासीर से मशवरा भी लिया जा सकता है। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। दुरूद पर बानो जुलेखा। मुझे जनाबी पुतीफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तरफ किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबर गिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो जमीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब जनाबे, पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। ये बताएं युजासी, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख्वातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नजर उल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। युजासीफ को यहाँ बुलाओ, और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के नहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन सात दरवाजों से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन सात दरवाजों पर मजबूत कुफल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफल हों तो किसी को इस कमरे में आमद रफ्त मजा नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। दरूद पर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक अताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शोहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अदा किया, अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूँ? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शोहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूँ? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की इस पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए,
और अब मैं दस पर्दार होने वाली नहीं। मैं अपने इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा तो तुम्हें खुदाओं से खौफ़ज़दा हो, मुझे भी उससे हया है। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की दाग नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना मौलवी बुजुर्ग, आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्मे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक को नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की खलासत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अतात को हिमाकत की अलामत समझते हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो के मेरी अतात करो, वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताज वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस आप जैसों से निपटने के लिए तंबीह और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है।